एक सोलो करवा दो रजा भाई, उतार ले फड़ाल, एक मिनट आ दो रजा भाई, सोलो कर ले। एक मिनट, आप दोनों मेरी तारीफ करना। अच्छा, साली गेट के बारे में आप दोनों ने बात करनी है। चलो जी शुरू हो। आप समझ रहे होंगे कि ये केक है या बिस्कुट है, ये माइक है, और इस माइक के जरिए स्क्रीन के जरिए मैं आपको ये इतला देने जा रहा हूँ कि शादी के इज ऑन द स्क्रीन। अबू अलिया साहब ने इसको एक खूबसूरत तरीके से फरमा के जोड़ जाड़ के स्क्रीनों पर पहुँचा दिया है, और अगर आप नहीं आ रहे क्योंकि आपकी गलती मुश्किल कर देंगे, क्योंकि ये जो कहानी है ये बहुत बड़ी मुआशरती कहानी है जिसको आपको देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए, क्योंकि जो मुआशरे और की शादी नहीं करते हैं। सो हमारा काम था ये कहानी आप तक पहुँचा। अबू अलिया साहब ने बात उसके ऊपर मेहनत की और ये कहानी आप तक आपकी कहानी पहुँचा दी, क्योंकि अब आपका रास्ता आयशा जी की एंट्री हो गई। ऊपर आके ऊपर आए हैं आप, ऊपर वाले फ्लोर पे जो स्ट्रेस आती है उस पर राइट फ्लोर पे आके वो सीधा आते जाए आप, जहाँ ज़्यादा रश है रेड कार्पेट। आए जी पिक्चर्स पिक्चर्स। ताहिर भाई हेलो वाले सब मेरे में फोटो सिर्फ एक मिनट। ताहिर भाई वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। एक मिनट स्टोरी है,
और में ही हमने ट्रैफिक करेंगे और आप लोग बहुत रिलेट करेंगे. बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में फिल्म है, लेकिन उसको इस खूबसूरती से पेश किया है अपर्णिया साहब ने कि एंटरटेनिंग भी है, मैसेज भी है, कॉमिक मोमेंट्स भी हैं, इमोशनल मोमेंट्स भी हैं और थ्रिलर भी है. तो ये सब कुछ इकट्ठे मिल के एक हमने एक डिश क्रिएट की. मेरा कैरेक्टर आप लोगों ने जो चीज़ें आई एम प्लेइंग समवन जो टक्साली गेट से ताल्लुक है और एक बहुत इंडिपेंडेंट फेयर्स कैरेक्टर है जो उन लोगों की मदद करना चाहती है, मदद कोई नहीं कर रहा है. सो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों ये चूज़ किया. क्योंकि टक्साली गेट जो एरिया है वो इस फिल्म का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, वो खुद एक कैरेक्टर है. तो वो स्टोरी एक इंसान की नहीं है, स्टोरी उस एरिया के वहाँ के लोगों की है, उनके साथ क्या सुलूक होता है, सोसाइटी में उनकी क्या क्या जगह दी जाती है, उसकी स्टोरी. फाइन सर. ताहिर भाई, ताहिर भाई हाय. थोड़ी सी बात है आपकी. हेलो दो लड़कों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाय जी, थोड़ा सा इकरा के साथ फिर से आ भाई यार. ये ग्रुप ग्रुप कितने मतलब सामने मैडम सामने सामने देखिए सर. थोड़ा सा पीछे आ जाओ. हाँ ठीक ठीक है ठीक. सामने एक रास्ता बोला जी. यासिर भाई वो थोड़ा पीछे आ गए. यार आप लोग यार अच्छा बना. Assalamualaikum.